तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे। जैसे कोई कीट कीड़ा और नमक की बोरी में गिर जाता है और वहां वो उस नमक की बोरी में और टेस्ट ढूंढता है बुरा वाला, कभी नहीं मिल सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आज हम इस नमक की बोरी में पड़े हैं और हम बुरा का टेस्ट ढूंढ रहे हैं। बुरा का टेस्ट तो पुण्यात्माओं बुरा की बोरी में ही मिलेगा। वह बुरा की बोरी है सतलोक सचखंड उस अमर लोक, और जब तक उस बुरा की बोरी में हम नहीं गिरेंगे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो सुख जिसे तुम छोड़ आए अब तुम्हें वो याद आ रहा है, यहां वो मिल नहीं सकता। इस काल भगवान ने आप जी को मूर्ख बना रखा है, धोखे में रखा हुआ है, हमारे साथ ऐसी इतनी बुद्धि दे रखी हमारे को जैसे कोई पशु भैंस का बच्चा मर जाता है। व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस भैंस के मरे हुए बच्चे के खाल उतरवा के उसके अंदर भूस भरवा के और एक धूम धूम रख लेते हैं, उसकी बाकी चाम होता है उसका सिर भी नहीं होता, और उसको उस भैंस के सामने रख देते, भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसको चाटती है, प्यार करती है, फिर दूध देना शुरू कर देती है। और व्यापारी उस भूस भरे हुए चाम को खाल को लेकर चल पड़ता है, वो भैंस पीछे पीछे रहा रहा करती हुई भागती अपना बच्चा समझकर। उसमें तो सारा भूस भरा है, खाल खाल लपेट रखी है। यही स्थिति हमारे साथ यहाँ कर रखी है, जिनको हम अपना बेटा बेटी पिता पुत्र समझते हैं, इस काल ने हार्ड चाम मांस ये सारा गंध भर के ऊपर ये चाम लपेट रखा है और इनको हम अपना मानते हैं। ये इतनी सी बुद्धि दे रखी है हमारे को। पुण्यात्माओं जब हम सतलोक में जाएंगे हमें वो शरीर मिलेगा जो कभी एंड नहीं होता, जिसमें ये गंध नहीं है, जिसमें ये स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है, वो एक तत्व से बना हुआ है। उसमें ना कोई बीपी आई हो, ना कोई लो होता, ना कोई रोग, ना कोड बनता, और वहां टेंशन नाम की चीज नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, बड़े भंडार है परमात्मा के। सतलोक के अंदर सब वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, वहां कोई वस्तु खराब नहीं होती, वो ऐसा लोक है, वहां का ऐसा आहार है। जैसे यहां पर एक गंगा दरिया है भारतवर्ष में, गंगा दरिया का जल आप कितने वर्ष तक किसी बोतल में डाल कर रख लो कभी खराब नहीं होगा। ये एक सैंपल है वहां का, सतलोक से आया हुआ ये जल है, और वहां से फिर यहां प्रकट किया परमात्मा ने ये प्रमाण देने के लिए कि हमारा ऐसा पदार्थ है वहां के, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होते। तो हम उस स्थान को उस सुख को छोड़ आए, वहां कोई काम नहीं, पुण्यात्माओं या कोई भी काम करके राजी नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये पेट ऐसा लगा दिया, इसने कर्म नहीं करेंगे तो इसका निर्वाह हो ही नहीं सकता, ये शरीर ऐसा बना दिया, इसकी इसी की सुरक्षा में इसी के भरने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर हम फिजूल की बकवादों में बढ़ जाते हैं, कोठी बना ले, पहले हमने देखे हमारे दादे परदादे कच्चे मकानों में हट डाल कर झोंपड़ियों में सौ सौ वर्ष व्यतीत कर गए, एक टाइम में पास तो करना हमने, यहाँ बता कोठी बना ली कल मृत्यु होगी, फिर वो कोठा के काम आया उसका, वो गधा बनकर शहर से पट्टे कर रहा है कुमार के यहाँ पर, और कोठी बनी पड़ी है कहीं पर काम आई है। तो ये अंधा बना रखे हमारे को, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए, मनुष्य जीवन बर्बाद कराने के लिए इसने हमारे अंदर ऐसे खुरापात भर रखे हैं। इनको हटाने के लिए परमात्मा आए, उन्होंने तत्व ज्ञान बताया, और जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के इस ज्ञान पर विश्वास किया उनका कल्याण हो गया।